गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ग्रामर की वर्कशीट करेंगे और हिंदी ग्रामर में हमारा पाठ एक है भाषा, लिपि और व्याकरण। ग्रामर में सबसे पहले हम किस बारे में पढ़ते हैं? भाषा, लिपि और व्याकरण, कि भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है, ये सब हम पढ़ते हैं। अब देखिए, ऊपर जो चित्र दे रखे हैं इन सभी में भाषा हो रही है, मतलब कुछ विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने में भाषा का ही प्रयोग होता है। भाषा के बिना हमारा कार्य नहीं चल सकता, चाहे हमारी भाषा हिंदी है, उर्दू, अंग्रेजी, कोई भी भाषा होती है, लेकिन भाषा से ही हम एक दूसरे के विचारों को समझते हैं और हमारा सब काम होता है। तो इसकी परिभाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचार लिखकर या बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भाव और विचार स्वयं समझते हैं, बोलकर भी और लिखकर भी। जैसे घर में हम बातें करते हैं आपस में, बाहर भी बातें करते हैं, वो हमारी क्या होती है? मौखिक भाषा, मुंह से बोली जाने वाले, मुंह से हम विचारों को व्यक्त करते हैं। और जो हम कॉपी में काम करते हैं या और भी कोई रिटर्न वर्क करते हैं, लिखित जो होता है वो हमारा क्या होता है? भाषा का लिखित रूप। तो भाषा के दो रूप होते हैं, कथित रूप या मौखिक रूप। जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते होते हैं तो यह भाषा का कथित रूप या मौखिक रूप कहलाता है। जैसे कि रोहित और मोहित बातें कर रहे हैं, भाषा के इस रूप में ध्वनियों का प्रयोग होता है। और दूसरा रूप हमारा होता है लिखित रूप, जब हम लिखकर व्यक्त करते हैं। अब हम इसकी वर्कशीट करेंगे। सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? उदाहरण सहित लिखो। भाषा के दो रूप हैं जो मैंने भी बताए हैं, मौखिक रूप जैसे बोलना आपस में, और लिखित रूप लिखना। भाषा को लिखने का साधन क्या होता है? लिपि। हर भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। जैसे हमारी हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। भाषा के कितने अंग होते हैं? भाषा के तीन मुख्य अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वो आपको अगली वर्कशीट में हम बताएंगे। अब है इसके बाद सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। भाषा सोचने विचारने का काम करती है। हाँ, भाषा के कथित रूप यानी बोलने वाले रूप को लिपि कहते हैं? नहीं, लिखने वाले रूप को हम लिपि कहते हैं। संस्कृत हमारी राष्ट्रभाषा है? नहीं, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं? नहीं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण यानी ध्वनि कहते हैं। तो ये शब्द कहते हैं, ये वाला सेंटेंस सही नहीं है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है? हाँ। भाषा दो प्रकार की होती है? हाँ, मौखिक और लिखित, बोलकर और लिखकर। आंध्र प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा मलयालम है? आंध्र प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा मलयालम है? नहीं। इसके बाद विलोम शब्द, उल्टे शब्द, आधुनिक का प्राचीन, हमें उल्टे शब्द लिखने हैं। अमृत विष, आकाश पाताल, क्रोध स्नेह, ज्वार बाटा, परतंत्र स्वतंत्र, जय पराजय, आशा निराशा, अधिक कम, अग्रज मतलब बड़ा भाई, बड़ा जो छोटे भाई से बड़ा होता है, अनुज मतलब छोटा भाई, जैसे दो भाई हैं या तीन भाई हैं तो बड़े वाले को अग्रज, उससे छोटे वाले को अनुज बोलते हैं। तो ये आप वर्कशीट करेंगे। थैंक यू।